अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मसूर पुलाव। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम 2 ग्लास बासमती राइस लेंगे और 1/2 ग्लास हमें मसूर की दाल लेना है। अगर कप से ले रहे हैं तो 1 कप लेंगे। अब ये चावल और दाल को हमें 2 से 3 पानी से धो लेना है और इसमें पानी डाल के इसे 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रखना है। तो जब तक चावल और हमारे दाल भीग रहे तब तक हम प्याज और टमाटर यहाँ पर काट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने और टमाटर काट लिए है और 4 हरी मिर्ची ली है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में हम 3 से 4 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी दोनों मिला कर लें, या तो फिर सिर्फ तेल में इसे बनाएं। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। 1 इंच का हम दालचीनी के टुकड़े 2 डाल देते हैं इसमें। 2 छोटी इलायची डाल देते हैं। 2 से 3 हम यहाँ पर लौंग डालेंगे और 8 से 10 हम यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। अब इसे थोड़ा भूनने के बाद में इसमें हम प्याज डालेंगे। अब इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में हमें पतला पतला काट लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। इसे भी 1 आधे मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका कच्चापन निकलने तक हमें प्याज में फ्राई कर लेना है। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च की बारीक पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च का जो प्रोपोर्शन है आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे कटे हुए। अब इन टमाटरों को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो इसमें हम थोड़ा नमक डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम दाल डालेंगे जो हमने भिगो के रखी है। ये दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और दाल को हम पकने देंगे। अब लो फ्लेम पर दाल को हम 10 मिनट तक पकाएंगे, तो इसे हम ढक देते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। दाल देखिए हमारी 50% तक कुक हो चुकी है। यहाँ पर बस इसे अपना आधा ही हमें पकाना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। अब चावल डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे, तो हम यहाँ पर 4 ग्लास पानी डालेंगे। 2 ग्लास हमने चावल लिए थे उसके लिए 4 ग्लास पानी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ हम पुदीना इसमें डाल देंगे। 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है और पुदीना लिया है, उसे बारीक कट करके डाल देंगे। और इसमें हम गरम मसाला डालते हैं 2 छोटे चम्मच।
अब इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब नमक भी डाल देते हैं, 3 छोटे चम्मच इसमें नमक डालेंगे। ऑलरेडी हमने 1 चम्मच इसमें डाला हुआ है टमाटर सॉफ्ट करने के लिए। अब इसे हम पकने देंगे, 15 से 20 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढक करके पकने देंगे। 20 मिनट के बाद देखिए पानी हमारा पूरा सूख गया है चावल में का। अब इसे एक बार हम इस तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं चावल को अच्छी तरह से। अब इसे हम फिर से ढक करके 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और मसूर पुलाव हमारा बनकर रेडी है। देखिए कितने जल्दी बन जाता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर आप इसे एक बार ट्राई करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिलीशियस मसूर पुलाव हमारा बनकर रेडी है। रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें और इसे आप रायते के साथ सर्व करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।